मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो बेटा इन आवर लास्ट क्लास वी डिड एक्सरसाइज 12.2 थर्ड क्वेश्चन सबट्रैक्शन वी वर डूइंग एंड वी डिड फोर पार्ट्स यस एंड आई टोल्ड यू टू डू द अदर पार्ट्स एज योरसेल्फ बट वी विल डिस्कस इन द क्लास आल्सो ठीक है सो एक्सरसाइज No talking should be there at all. Manik, go to the last bench. Go to the last bench, I said. Third question, fifth part. Anji, please ab baat nahi karni. बुक हटाओ सो बेटा बस करो सो आई हैव टोल्ड यू दैट डे सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखना है पहले वाला बाद में एंड माइनस जब भी करना है तो यू हैव टू पुट द ब्रैकेट लाइक 4x² - 3mn + 8 में से माइनस करना है किसको माइनस एम स्क्वायर What you have to do, you have to write the expression from के बाद वाला expression पहले minus मतलब bracket में डालना है अभी कोई sign change नहीं किए बाद वाला पहले पहले वाला बाद में in the brackets right is it clear now what to do to open the bracket 4m² - 3mn + 8 - प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5mm अब देखो 4m² + m² माइनस 3mn माइनस 5mn यस सिक्स सेवन एट देखो बेटा सिंपल है कर लोगे खुद ही किए थे ट्राई सबने नहीं किए आपका आंसर आ गया अनमोल यस सो जिन्होंने ट्राई किए हैं बेटा उनके आंसर आ गए हैं जिन्होंने नहीं ट्राई किए प्लीज ट्राई द क्वेश्चंस ओके ओके सम्राट इज इट ओके चलिए आइए बोर्ड पे सम्राट नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आज शाबाश सिक्स्थ पार्ट कम ऑन हरी अप गौरव कम 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 हरी अप आई सेड कम हियर ये करो आता नहीं है शर्म नहीं आती ये बोलते हुए करो एंड ऑल अदर्स ट्राई योरसेल्फ हरी अप हरी अप कौन बोल रहे हैं चौक ले ले फिर वहां से बोर्ड पे देखो सारे बच्चे दोबारा ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बोला नहीं कम से कम 10-10 बार एक ही बात बोलती हूँ मैं बट आप सुनते नहीं फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले फिर भी कई बच्चे हैं जो पहले ये टर्म लिख रहे हैं पहले फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिखकर उसको ब्रैकेट में डालना है फिर माइनस का साइन लगाना है माइनस का साइन लगाने के बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको आपने किसमें लिखना है ब्रैकेट में किसमें लिखना है ब्रैकेट में उसके बाद जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो पहली ब्रैकेट तो एज इट इज ओपन हो जाएगी कोई साइन चेंज नहीं होगा इधर एक मिनट चुप कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक्स
स्क्वायर का साइन चेंज करनी है और इसको ऐसे लिख रहे हैं प्लस 10x माइनस 5। तो अभी कितने क्वेश्चंस किए हैं मैंने आपको, उसने बताया है कि जब आपने ये ब्रैकेट खोलनी है, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हुआ है, ये प्लस 10x प्लस का है, ये किसका होगा? माइनस का। ये 5 माइनस का है, ये किसका होगा? प्लस का। Why the simple thing is not clear to you? Because you are not paying attention in the class. जब आप कोई दिलचस्पी से चीज सुनोगे नहीं बेटा, फिर वो आप कैसे कर पाओगे? Then you have to combine the like terms. 5x minus 10x plus x square minus 10 plus, हमने लाइक टर्म को इकट्ठा लिख दिया बट अलोंग विद देयर साइन। सुन लो पहले, सुन लो बाद में लिखना, लिखने की पड़ी है, दिमाग खाली। फाइव एक्स और माइनस टेन एक्स दे आर लाइक टर्म्स, तो उनको इकट्ठा लिख दिया। 5x 10x के आगे माइनस का साइन है तो वो वही उसके साथ रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 5। आप देखेंगे कि आंसर है बेटे, लाइक टर्म को सॉल्व नहीं करना अर्जुन, लाइक है 10 माइनस 5 साथ में माइनस का साइन, माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 आंसर। कर लिया नोट? करो। क्या बोल रहे हो? अब मैं देखती हूँ बेटा, असल में आंसर याद थोड़ी है, हम सॉल्व करेंगे देखेंगे। करो नेक्स्ट वाला, फिर मैच करेंगे आंसर। करो ये वाला सम, ब्लैंक से ब्लैंक माइंड कल कोई आया ना अगर क्लास में और बिना काम किए, फिर देखना माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस 5b². नाउ सी 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² ब्रैकेट में डाला इसको, इसमें से माइनस किया किसको? 5a² माइनस 7ab प्लस 5b ब्रैकेट डालनी है, इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 3ab ओके फाइन माइनस 2a² माइनस 2b² अंदर वाले सारी टर्म्स का साइन क्या होगा? चेंज। ये 5a² है तो ये बनेगा माइनस 5a², ये माइनस 7ab है ये बनेगा प्लस 7ab माइनस 5b² देन वी हैव टू कंबाइन द लाइक टर्म्स 3ab प्लस 7ab माइनस 2a² माइनस 5a² माइनस 7b² I hope now it is clear. सारी तो करवाए हैं अर्जुन, एक पार्ट रह गया, वो खुद करोगे आप। क्या नहीं समझ आया? हाँ पहले सुन नहीं रहे थे इसका मतलब?
अब लास्ट पार्ट रह गया, वो खुद ट्राई करोगे। अगले वाले है ऐसे सही हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन दिस। अब ध्यान से सारे बच्चे बोर्ड पे देख लें, वरना फिर तुम्हें पता तुम्हारा हाल क्या होगा। अगर मैं बोलूं व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 100, 100 माइनस 10 क्या 90। व्हाट शुड बी एडेड टू 100 टू गेट 500, क्या किया 500 में से 100 को माइनस किया। इसका मतलब जो ऑब्टेन के बाद टर्म है वो पहले लिखनी है और पहले वाली बाद में। अगर आपने उल्टा करके लिख दिया फिर वो गलत, टोटल गलत। रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लिखोगे, रिक्वायर्ड आंसर लिख दो। चलो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑब्टेन के बाद लिखा है इस एडेड वाले क्वेश्चन में, ऑब्टेन के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले, तो हम लिखेंगे 2x² + 3xy, इसमें से माइनस करोगे आप x² + xy + y² इज माय पॉइंट क्लियर। व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये मिले, तो जो चीज मिले टू ऑब्टेन उसको पहले। हाँ जी, अब देखिए 2x² + 3xy ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाले सारी टर्म्स के साइन क्या होंगे, व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट ऑल द साइन विल चेंज, -x² - -xy - 2x² - 1x² ये देखो आप लाइक टर्म्स को इकट्ठे भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको डायरेक्ट ओरल करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लो अलोंग विद देयर साइन, देन 2x² - x² - 2xy - y² आंसर। नोट डाउन, सब कर ले। ये मैं करवाती हूँ बेटे, हाँ जी। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अब ये डिफरेंट है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको मैंने बताया है कि फ्रॉम के बाद जो भी होता है एक्सप्रेशन वो हमेशा कहाँ आता है, पहले। आर यू लिसनिंग, फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो हमेशा कहाँ आता है, पहले। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है बेटे उसमें आप लिखोगे रिक्वायर्ड आंसर, फ्रॉम के बाद क्या लिखा है 2a + 8b + 10, इसमें से माइनस करोगे -3a। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडेड वाले क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू डू, जो ऑब्टेन के बाद वाला पहले।
इसको ना आप बात हम ऐसे याद रखो, इक्वेशन बना के करवाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। एडेड वाले इक्वेशन में ऑब्टेन के बाद वाला पहले, फिर दूसरे वाला बाद में। सब्ट्रैक्टेड वाले क्वेश्चन में लिखा है ना व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है वो पहले, दूसरे वाला बाद में। सबको समझ आ गई ये बात? लेट्स ओपन द ब्रैकेट नाउ। 2a as we have again I repeat always the same thing, as we have minus sign outside the bracket so the sign of inner term will get changed. Sabke ye minus 3 hai, ye plus 3, minus 7, minus 6. Ab like terms se direct karenge, 5a plus b minus 6. Kariye note please. Next question number 5, what should be taken away from this to obtain this? Again आपने बस पता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन, अगर आपको कंफ्यूजन आए कौन सा एक्सप्रेशन पहले लिखा है, तो सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, अभी सुनना नहीं है। फ्रॉम, जहां फ्रॉम आ गया ना, फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको सबसे पहले आपने आगे लिख देना, उसमें से माइनस दूसरे वाला, ये याद रखना है। समझ आ गई युवराज? समझ आ रही है? जब देखो हंसता रहता है बैठा क्लास में। रिक्वायर्ड आंसर इज 3x² इसमें से माइनस करना है, नहीं देखिए बेटा ये एक्सप्रेशन फ्रॉम के बाद लिखा था, इसको पहले माइनस, प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन है ना एक और, उसको ब्रैकेट में डालना है आपने। Let's open the bracket. Pehli bracket ki term as it is with no change in the sign, and then when we will open the bracket all the sign will change. Plus x square, plus y square, minus 6xy, minus 3x square, plus x square, minus 4y square, plus y square, plus 5xy. You can skip this step also. If you can combine the like terms orally, then you can skip this step.
फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव, ये कट। सम्राट समझ आ रहा है? श्योर? कल समझी ना किया तूने, तो फिर तू देखना, नोट डाउन। किनका? ये कट गए ना, एक प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी जीरो। नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पर है व्हाट शुड बी टेकन अवे, टेकन अवे लिखा है ना, सिर्फ एडेड वाले क्वेश्चन में टू ऑब्टेन वाला पहले आना है, ना कि दूसरे में। जहां फ्रॉम वर्ड आ जाए उसमें फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन पहले, समझ रही? जहां एडेड लिखा है वहां पहले कौन सा लिखना है? टू ऑब्टेन के बाद वाला सारे करने हैं, फोर का फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ। नहीं, वन बाकी के इवन, वन टू थ्री के इवन, फोर्थ के दोनों, फिफ्थ भी। तुझे सुननी ना, अभी ग्रुप में डाल दो, आगे ग्रुप में डालते थे हमेशा, में डाल दो। ये ले हरजीत, पकड़ पेंसिल उठाओ। ट्राई द सिक्स्थ क्वेश्चन योरसेल्फ।